हेलो एवरीवन, आपने कभी ना कभी नो मैन स्काई गेम के बारे में जरूर सुना होगा कि ये गेम अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है। आपने इस गेम के बारे में बहुत बार सुना होगा, हो सकता है आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना हो। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत ज्योति, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, अगर हम नो मैन स्काई गेम की बात करें तो इस गेम को बनाया है हेलो गेम्स ने, उसे पब्लिश भी किया है हेलो गेम्स ने। उन गेम की बात करें तो आप इस गेम को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एक्सबॉक्स वन और PS4 सभी डिवाइस पर, लगभग जो भी ज़्यादा बड़े डिवाइस है सभी डिवाइस इस गेम को खेल सकते हैं। और उन गेम की बात करें तो यह गेम 12 अगस्त 2016 को पूरी दुनिया के लिए तीनों ही प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गया था। और अगर इस गेम की बात करें, इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी एक एडवेंचर स्टोरी है। इसके अंदर हमें सर्वाइव करना होता है। इस गेम के अंदर इसके जो मेन कैरेक्टर होता है वो अलग अलग प्लेनेट से अलग अलग प्लेनेट के अंदर जाता है। मतलब वो एक प्लेनेट में तो खुद ही प्लेन के जरिए दूसरे प्लेनेट में चल जाता है। इस बार इस गेम की स्टोरी है, हर प्लेनेट के अंदर आपको अलग अलग चीज़ मिलती है। जैसे किसी एक प्लेनेट के अंदर आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिल सकते हैं और किसी प्लेनेट में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यही इस गेम की पूरी स्टोरी है। और हम बात करें, जब आप इस गेम को विंडो PC भी खेलना चाहते हैं, उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या होगी। तो आप इस गेम को विंडो PC भी खेलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए, वो सही मिनिमम में हो या रिकमेंडेड, और 8 GB ही आपके पास रैम होनी चाहिए। रिकमेंडेड में 8 GB की और मिनिमम में 6 GB की रैम इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और ग्राफिक्स की बात करें तो इसके अंदर ग्राफिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्मल ग्राफिक, मतलब आपकी प्रोसेसर से बनाया हुआ ग्राफिक इस गेम में चलाएगा। तब इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आप इस गेम को आराम से खेल सकते हैं। इस गेम के अंदर GTS का 710 ग्राफिक कार्ड बहुत सही है, रिकमेंडेड के अंदर चल जाएगा। तो आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आप इसे 1,700 रुपये देकर इस गेम को खरीद सकते हैं और खेल सकते हैं। और मेरे ख्याल से यह गेम एक बेस्ट गेम नहीं है, क्योंकि यह बहुत पुराना हो चुका है, 2016 में रिलीज़ होगा। मतलब आपको एक अच्छा गेम खरीदना चाहिए, मतलब यह गेम भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी है, मगर यह गेम इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ। तो आपको यह वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लेकर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।